जय हिंद बच्चों, आप लोग सब घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे तथा कोरोना से जुड़ी सारी जानकारी के अनुसार आप बार बार हाथ धोकर अपने आप को स्वस्थ रख रहे होंगे और वीडियो के सहायता से अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रख रहे होंगे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 18, अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में अधोसंरचना। इसके अंतर्गत हम बच्चों मुख्य बिंदु पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय। तृतीय या सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के कारण, सेवा क्षेत्र का महत्व, अधोसंरचना का अर्थ, अधोसंरचना के प्रमुख अंग, भारतीय सेवाओं का विश्व में योगदान। ये हमारे बिंदु हैं बच्चों जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी देश की जनसंख्या अपने जीवन यापन हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। कोई खेती करता है तो कोई कारखाने में काम करता है या कोई व्यापार करता है। इन गतिविधियों से ही उसे आय प्राप्त होती है, वेतन मिलता है। अतः अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए जिनमें देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कार्य करती है। सामान्यतः प्राकृतिक साधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, जैसे खेती करना, खदानों से कोयला या और कोई खनिज निकालना या वनों से लकड़ी प्राप्त करना। इन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं बच्चों। इनमें हमें पढ़ा लिखा या शिक्षित होना आवश्यक नहीं होता है। पिछड़े एवं विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र में लगी रहती है, किंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे जनशक्ति प्राथमिक क्षेत्र से हटकर द्वितीय क्षेत्र में कार्य करने लगती है। द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादनों को विनिर्माण के द्वारा अर्थात उसका रूप बदलकर उपयोगी बनाया जाता है और रूप परिवर्तित करने के बाद उसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गन्ने से शक्कर बनाना, चूना मिट्टी से सीमेंट और फिर मकान बनाना, ये इसी के अंतर्गत आता है बच्चों। इस प्रकार सभी उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र में ही रखा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं बच्चों, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, इसे प्राकृतिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहा जाता है। फिर है द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में वे गतिविधियां आती है जो प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित की जाती है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम होता है द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, वरन उन्हें मानवीय क्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये क्रियाएं किसी कारखाने या घर में हो सकती है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र है बच्चों तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे गतिविधियां आती है जो वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करती है वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और फुटकर बाजारों में बेचने के लिए रेल या ट्रक द्वारा परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगों से बने हुए माल को रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के उत्पादन करने के लिए बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्पादन एवं व्यापार में सुविधाओं के लिए टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, कोरियर सेवा आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बच्चों परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में आती है। इन गतिविधियों से ही आर्थिक विकास को गति मिलती है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, एक देश की राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पाद GDP, सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए उस देश के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक
क्षेत्रों को आधार माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले इन तीनों क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादन के मौद्रिक मूल्यों की गणना की जाती है बच्चों। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त मौद्रिक मूल्यों को जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि अगर एक देश में प्राथमिक क्षेत्र से 100 करोड़ रुपए, द्वितीय क्षेत्र से 75 करोड़ रुपए एवं तृतीय क्षेत्र से 150 करोड़ रुपए की आय होती है, जब हम इनको जोड़ लेते हैं तो कुल आय 325 करोड़ रुपए होगी। तो जैसे जैसे देश में आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है, तृतीय या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है का योगदान बढ़ता जाता है, तृतीय या सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के कारण। स्वतंत्रता के बाद देश में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिससे हमारा तृतीय क्षेत्र जो है वो विकसित होने लगा। देश में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों का पिछले वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ और औद्योगिक क्रांति के साथ साथ देश में हरित क्रांति भी सफल रही। इससे परिवहन, व्यापार, भंडारण, बैंकिंग जैसी सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप इन सेवाओं का देश में तेजी से विस्तार हुआ। तीसरा बच्चों के प्राय देखा गया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्तियों और अनेक प्रकार की सेवाओं के उपयोग में भी वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने से व्यक्ति निजी अस्पताल, महंगे स्कूल, बदलते हुए परिवेश के अनुसार नई नई वस्तुओं को खरीदने लगता है, वाहनों का उपयोग करने लगता है, अधिक खर्च करने लगता है होटल में घूमने के लिए। शहरों के साथ साथ गाँव में भी सेवाओं के मांग में वृद्धि होने लगती है, फलतः देश में सेवा क्षेत्र की भागीदारी में तेजी से वृद्धि होने लगती है। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित अनेक नई नई सेवाएं जीवन के लिए आवश्यक हो गई है। जैसे बच्चों आज आप डिजिटल पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको अपने मोबाइल की सहायता से आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं आप रिकॉर्डिंग आपको भेज रही हूँ, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीयों पर पश्चिमी देशों का भी बहुत प्रभाव पड़ा और इसी कारण हमारी सोच में भी परिवर्तन आया है जो हम अभी देख रहे हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र का महत्व आय के घटक के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि हमें रोजगार में वृद्धि होती है सेवा क्षेत्र के कारण। सेवा क्षेत्र लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से रोजगार प्रदान करता है और भारत में इसका उदाहरण है कि भारतीय रेलवे इसके अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। रोजगार के अवसर जुटाने में और भी लोग सक्रिय हैं, जिनमें है परिवहन के साधन, थोक और फुटकर व्यापार, बैंक, शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और होटल व्यवसाय भी रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग देते हैं। ये व्यवसाय ऐसे हैं जो लद्दाख जैसे दुर्गम और दूरस्थ स्थानों पर भी रोजगार सृजन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि सेवा क्षेत्र बेरोजगारी दूर करने एवं लोगों की आय बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरा महत्व है सेवा क्षेत्र का उत्पादन में वृद्धि। सेवा क्षेत्र के कारण कम समय में अधिक उत्पादन करने की और अच्छी गुणवत्ता में वृद्धि करने में सहायक होता है। यह क्षेत्र दो प्रकार से सहायता पहुँचाता है बच्चों, एक तो कुशल प्रशिक्षित एवं स्वस्थ श्रमिक उपलब्ध कराकर, दूसरा उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाकर, क्योंकि ज्यादातर कार्य जो है वो मशीनों की और प्रशिक्षित लोगों की सहायता से होता है। दूसरा है कुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि से उत्पादन एवं आय में वृद्धि करता है। तीसरा महत्व है बच्चों बाजार का विस्तार करने में सेवा क्षेत्र बहुत ही सहायक है। सेवा क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के उत्पादकों में के बाजार का विस्तार करने में सहायक होता है। कभी कभी आपने देखा है कि आपके नाश्ते की टेबल पर सेब कहाँ से आता है, अगर कश्मीर से आता है या हम जिस कैमरे से फोटो खींच रहे हैं वो इंग्लैंड से आता है, ये सेवा क्षेत्र के कारण ही संभव है। या आज आप टेली मार्केटिंग के द्वारा अपने घर बैठे वस्तुएं मंगाते हैं, ये सेवा क्षेत्र के कारण ही संभव है। परिवहन की सुविधा से माल एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। संचार के साधनों द्वारा व्यापारिक सौदे तय किए जाते हैं या होटल बुक किया जाता है। इसी प्रकार की गतिविधियां सरल और सुविधाजनक सेवा क्षेत्र के कारण ही संभव हो पाती है। चौथा महत्व है उद्योगों हेतु वित्त की व्यवस्था। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं साख का सृजन करती है और सभी प्रकार के उद्योगों के लिए पूंजी
की पूर्ति करती है, फिर चाहे वित्त की अल्पकालीन आवश्यकता हो या मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय तक भी ऋण जो है वो बैंक देती है। उद्योगों की स्थापना से लेकर बाजार तक वस्तुएं पहुंचाने एवं विज्ञापन करने हेतु सभी व्यवस्थाएं सेवा क्षेत्र द्वारा ही की जाती है। सेवा क्षेत्र पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर औद्योगिक विकास में सहायता करवाती है। पांचवा महत्व है बच्चों, कृषि उपज की सुरक्षा एवं कृषि का विकास। निर्धन कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का कार्य भी सेवा क्षेत्र द्वारा किया जाता है। वर्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि द्वारा कृषि उपज की अनिश्चितता एवं जोखिम को दूर किया जाता है। साथ ही सेवा क्षेत्र कृषकों को उन्नत खाद बीज आदि क्रय हेतु पूंजी भी प्रदान करता है या उसको पूंजी बढ़ाने भी सहायता करता है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में भी सहयोग करता है। अगला महत्व है संतुलित आर्थिक विकास। प्रत्येक देश के कुछ क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से विकसित हो जाते हैं और कुछ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। परिवहन, संचार एवं वित्तीय सुविधाओं के विस्तार से पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। सड़क एवं रेल मार्गों के निर्माण से पहाड़ी एवं दुर्गम स्थानों का भी विकास संभव होता है और इससे आर्थिक विकास के लाभ सभी क्षेत्र के लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा में भी सेवा क्षेत्र का महत्व है बच्चों। सैनिकों को सीमाओं तक पहुंचाने और उनको समुचित व्यवस्था करने के लिए यातायात एवं संचार साधनों की आवश्यकता होती है। सैन्य सामग्री पहुंचाने, सैनिकों को खाने की व्यवस्था करने, महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने आदि अनेक कार्यों में सेवा क्षेत्र के लोगों का योगदान बना रहता है। राष्ट्रीय आय में योगदान। अब देश के आर्थिक विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है कि आज शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आ गई है और यही कारण है कि राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त हो रहा है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। पिछले कुछ वर्षों से सेवाओं के निर्यात से भी बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जहाजरानी एवं हवाई सेवाओं के साथ साथ पर्यटन एवं वित्तीय सेवाओं में भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हाल ही के वर्षों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास हुआ है और अब इन सेवाओं से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है और आने वाले समय में सेवा क्षेत्र से बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है। अब है बच्चों अधोसंरचना। अधोसंरचना का अर्थ, अधोसंरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं क्रियाओं तथा सेवाओं से है बच्चों जो उत्पादन के अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास एवं दैनिक जीवन में सहायता देती है। अधोसंरचना के प्रकार, सबसे पहला है आर्थिक अधोसंरचना। आर्थिक अधोसंरचना के अंतर्गत शक्ति के साधन यातायात एवं दूर संचार से संबंधित होते हैं, इसलिए आर्थिक संरचना कहा जाता है। रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, विद्युत केंद्र आदि को आर्थिक संरचना के अंतर्गत ही रखा जाता है। आर्थिक विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है बच्चों और हमारी बुनियादी आर्थिक सुविधाएं भी इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होती है। दूसरा होता है सामाजिक अधोसंरचना। सामाजिक अधोसंरचना मानव संसाधन का विकास करने एवं मानव पूंजी के निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि इसके अंग होते हैं। इससे समाज को कुशल, निपुण और स्वस्थ जनसंख्या प्राप्त होती है। इससे कार्यक्षमता बढ़ती है जिससे प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन तेजी से बढ़ता है। अर्थात बच्चों यह अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करने का एक माध्यम है। अधोसंरचना के प्रमुख अंग, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों ऊर्जा। किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के साधनों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार बच्चों हमें हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, उसी प्रकार किसी देश को ऊर्जा वहाँ के कृषि उद्योग, खनिज, परिवहन आदि क्षेत्रों में ऊर्जा के द्वारा ही शक्ति मिलती है। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से मिलती है। विद्युत शक्ति से कोयला, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल आदि, इन सभी स्रोतों से हमें अधिक महत्वपूर्ण होती है विद्युत। विद्युत का उत्पादन तीन प्रमुख स्रोतों से होता है, जल विद्युत, तापीय विद्युत और
अणु विद्युत। जल विद्युत के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तापीय विद्युत में कोयले का उपयोग होता है और अणु विद्युत में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में लगभग 80% विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत से होता है, जो मुख्यतः कोयले पर आधारित है। दूसरा है बच्चों, भारत में विद्युत की स्थिति। भारत में औद्योगिकरण, कृषि में यंत्रीकरण, शहरी में जनसंख्या के वृद्धि के कारण, ग्रामों में विद्युतीकरण के कारण विद्युत की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। विद्युत का उत्पादन मांग की तुलना में कम हो रहा है और देश में विद्युत संकट पैदा हो गया। वर्तमान स्थिति यह है कि उद्योगों एवं कृषि को पर्याप्त मात्रा में विद्युत प्राप्त नहीं हो रही है। शहरों तथा गाँवों में विद्युत की सतत पूर्ति नहीं होती है और विद्युत पूर्ति में वृद्धि करने के लिए हम निजी क्षेत्र को भी विद्युत उत्पादन की अनुमति दे देते हैं। इसके आगे है बच्चों परिवहन। अर्थव्यवस्था में परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने की कड़ी का काम परिवहन ही करते हैं बच्चों, जैसे बैलगाड़ी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, पानी का जहाज, रेल, हवाई जहाज आदि। भारत में परिवहन का विकास प्रारंभ में मुख्य रूप से व्यापारिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से किया गया था, किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान परिवहन का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है और परिवहन के साधनों के विकास के कारण अधोसंरचना जो है वो विकसित होती जा रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों रेल परिवहन। भारत में माल एवं सवारी की ढुलाई के लिए परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है रेल। रेलवे का शुभारंभ सन 1853 में हुआ था, जब प्रथम रेल बम्बई से ठाणे तक चलाई गई। इसके बाद देश में रेल मार्गों का चारों ओर विकास हो गया। भारतीय रेलवे एशिया के सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरे स्थान की रेल प्रणाली हो गई है। सड़क मार्ग। भारत में सड़कों का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत एक गांव का देश है और यहां गांव के क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के अवसर में वृद्धि करने आदि में सड़कों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण सड़कों में तेजी से विस्तार होने लगा है। निजी क्षेत्र को भी अब सड़क निर्माण के कार्य में शामिल कर लिया गया है। जल परिवहन। भारत में जल परिवहन प्रणाली दो प्रकार की है बच्चों। प्रथम है आंतरिक जल परिवहन और दूसरी है तटीय एवं सामुद्रिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन गहरी नदियों और नहरों में होता है और इसमें नाव या स्टीमरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारत के पास बच्चों 7,517 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है और इस पर 12 बड़े और 187 छोटे बंदरगाह हैं। भारत का मुख्यतः विदेशी व्यापार इन्हीं बंदरगाहों से होता है। अगला बिंदु है बच्चों संचार। भारत में संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। सर्वप्रथम देश में संचार सेवा की शुरुआत सन 1837 में हुई, किंतु इन सेवाओं का विस्तार स्वतंत्रता के बाद ही हुआ और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों ने दूर संचार सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। निजी क्षेत्र की भागीदारी से इस क्षेत्र को अभूतपूर्व विकास मिला और यही कारण है बच्चों कि मोबाइल सेट अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। दूर संचार सेवाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत अब ज्ञान पर आधारित समाज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कंप्यूटर और संचार के प्रौद्योगिक विकास के प्रचार और प्रसार ने डाक प्रणाली को भी मॉडर्न या आधुनिक बना दिया है। यही कारण है कि भारतीय डाक नेटवर्क अब विश्व के विकसित नेटवर्कों में से एक हो गया है। भारत ने उपग्रह प्रणाली भी विकसित कर ली है और यहाँ पर दूरसंचार के साथ साथ अब हमें उपग्रह प्रणाली के माध्यम से मौसम की जानकारी दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि कार्यों में भी सहयोग मिल रहा है। बैंकिंग, बीमा एवं वित्त। तीव्र आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग, बीमा और वित्त संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। ये संस्थाएं अर्थव्यवस्था से बचतों के माध्यम से उद्योगों को
उपलब्ध कराता है और आर्थिक विकास में विस्तार करता है, जिससे आय बढ़ रही है, रोजगार में विकास हो रहा है और हमारी विकास की दर भी बढ़ती जा रही है। सन 1970 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में व्यापारिक बैंकों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। 2006 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की शाखाएं बढ़कर अब 70,000 हो गई है बच्चों, और ये संस्थाएं उद्योग एवं व्यापार के साथ साथ घरेलू उपयोग हेतु व्यक्तिगत ऋण भी उपलब्ध करा रही है। ब्याज की दरों में भी कमी हुई है और देश में वित्तीय संस्थाओं में तेजी से विस्तार हुआ है। देश की बैंकिंग व्यवस्था के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख समितियां कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने लगी है। भारत में सहकारी बैंकों का संगठन त्रिस्तरीय है। प्रथम राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक और द्वितीय स्तर पर जिला स्तर और केंद्रीय सहकारी बैंकें हैं और तृतीय स्तर पर ग्रामीण स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियां हैं जो ये कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य। विकसित देशों का अनुभव हमें ये दिखाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सामाजिक अधोसंरचना का बहुत ही आवश्यक पहलू है। यह देखा गया है कि पिछड़े और विकासशील देशों में संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत में भी इन सुविधाओं का विस्तार स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बढ़ रहा है। शिक्षा। भारत में प्रारंभ से ही सभी के लिए शिक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षा के विस्तार में विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। देश में शिक्षा के विस्तार के लिए 2004 से वित्तीय स्रोतों को जुड़ाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों का 2% का भाग शिक्षा के उपकर पर लगाया गया है। इस राशि से बुनियादी शिक्षा के विस्तार के साथ साथ मध्याह्न भोजन, बालिका शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य। स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का विशेष जोर दिया है। देश में मलेरिया, तपेती, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर और मानसिक विकृतियों जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। व्यापार एवं पर्यटन। वर्ष 2006 में जारी बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि और उद्योगों के साथ साथ आंतरिक और विदेशी व्यापार का भी योगदान रहा है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल, मशीनें, तकनीकी विदेशों से ही प्राप्त होती है। इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है जो देश में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्यात करके ही प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार के द्वारा आय, रोजगार और विकास की दर में विशेष वृद्धि हो गई है। भारत में मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, रासायनिक पदार्थ, मशीनरी आदि का आयात करता था। इसके साथ ही खनिज पदार्थ, रत्न और आभूषण, सिले हुए वस्त्र, मछली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि का निर्यात करता है। भारत अपना विदेशी व्यापार मुख्यतः अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी और रूस से करता है। भारतीय सेवाओं का विश्व में योगदान। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि पूरे विश्व में भारतीय सेवाओं का कहाँ कहाँ योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के विकास का परिणाम ये है कि आज भारत विश्व के विभिन्न देशों को कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। नवीन आर्थिक नीति और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप देश और विदेश दोनों क्षेत्रों में भारतीय सेवा क्षेत्र का महत्व और भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। हम अपने पड़ोसी देशों और यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड और विश्व के कई देशों को अपना लाभ दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हमारी सेवाओं का सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र में है, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएँ। भारत में पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और मुंबई कंप्यूटर के प्रमुख केंद्र हो गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। भारत से सॉफ्टवेयर का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है, जिनमें है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में भारतीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेष लोकप्रिय है। संचार सेवाएं।
संचार सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत विकसित देशों के समकक्ष है और दूर संचार सेवाओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब भारत अनेक देशों को दूर संचार सेवाओं के विकास में सहयोग भी दे रहा है। मालदीव एक ऐसा देश है जहां डिजिटल चार्टर का भारत द्वारा आधुनिकीकरण किया गया है तथा एक दूसरे संवेदी इकाई की स्थापना की गई है। नेपाल देश में भी दूरसंचार की सेवाओं के लिए यूनाइटेड टेलीकॉम के नाम से एक संयुक्त कंपनी का गठन किया गया है। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में भी हमारा विश्व में योगदान है। 30 जून 2005 तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में 8 और निजी क्षेत्र में 2 बैंक के 42 देशों में अपनी अपनी शाखाएं खोली है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख है। इस प्रकार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से भी भारत को लाभ हो रहा है। तकनीकी एवं परामर्श सेवाओं में भी भारत का योगदान है। भारत अनेक विकासशील एवं पिछड़े देशों को रेलवे लाइन के निर्माण, सड़क निर्माण, कारखानों के निर्माण के तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं दे रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं अफ्रीका के कई देशों में बुनियादी संरचना में संबंधित जो परियोजनाएं चल रही है उसमें भारत के ही योगदान संभव है। तो बच्चों, मैं सोच सकती हूँ कि अब आपको यह अध्याय काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जय हिंद बच्चों, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।